अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया में खुश आमदेद, मैं हूं सैयद आयशा नाज। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। रहमतों और बरकतों के महीने रमजान मुबारक का आगाज। परदेसियों की होटलों पर सहरी, कराची समेत कई शहरों में लोड शेडिंग की गई। खुदकुश हमले में जान बहक सदर के चीफ सिक्योरिटी अफसर बिलाल शेख की तदफीन आज होगी। हमले का मुकदमा जमशेद टाउन थाने में दर्ज। पीपल्स पार्टी का कराची में यौमे सोग। बरतानवी मीडिया पर डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का मामला जेरे बहस। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अल्ताफ हुसैन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही वो ऐसा कोई इरादा रखते हैं। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा फनी खराबी के बायस ईसा खेल के करीब गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट $15,000 में अरब टीवी को बेची गई। दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट के लीक होने का पर्दाफाश कर दिया। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट गैर मुसद्दका है, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। कहते हैं जॉन कैरी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बदीन में नहरी पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ 40वें रोज भी धरना, काश्तकारों ने सहरी भी एहतजाजी कैंप में की। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कयामे पाकिस्तान से अब तक मुल्क की आबादी में तकरीबन 6 गुना इजाफा, गुर्बत भी खतरनाक हद तक तजावुज कर गई। काली आंधी से टकराने की तैयारियां, दौरे वेस्टइंडीज में कौमी टीम आज गयाना के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पिशावर के कयूम स्टेडियम में पवेलियन की पुरानी इमारत गिराने का काम शुरू, बैनुल अक्वामी मयार की नई इमारत 2 साल में तामीर होगी। यार फरीद हुणवई में रोवा जिवें बिछड़ी गूंज कतारा। मुमताज क्लासिकल गायक उस्ताद सलामत अली खान को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। और मेक्सिको में आतिशफशां ने लावा उगलना शुरू कर दिया, करीबी इलाकों से 50,000 अफराद का इंखिलाफ।